आप अभी जो इंसान को देख रहे हो वो ब्रश से पेंट नहीं करता है, इवन पेन से भी पेंट नहीं करता है, वो टाइपराइटर से पेंट करते हैं। दुनिया में ऐसे इंसान बहुत ही कम है कि ये आर्ट करने की काबिलियत रखते हैं। आखिर ये इंसान है कौन? ये ऐसे कैसे पेंट कर लेते हैं? टाइपराइटर से पेंट करते करते अगर उन्होंने मिस्टेक कर दी तो क्या उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी? इंडिया में बैंगलोर सिटी में ये इंसान रहा करते हैं। हेलो, आई एम गुरुमूर्ति, आई मेक आर्ट ऑन टाइपराइटर। कुछ साल पहले इनके पास एक बैंक की जॉब थी एंड वो काम करने के लिए टाइपराइटर यूज किया करते थे। डेली वो अपने टाइपराइटर पे डॉक्यूमेंट्स, लेटर एंड नॉर्मल थिंग्स लिखा करते थे एंड उनके फ्री टाइम में वो नॉर्मल टूल्स जैसे कि ब्रश एंड पेंट से ड्राइंग करना पसंद करते थे। ड्यूरिंग माई बैंक सर्विस आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ ऑयल पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट वर्क। एक दिन वो अपने टाइपराइटर के सामने बैठे थे एंड अचानक से एक क्रेजी आइडिया उनके दिमाग में आया। Why don't I use typewriter for making artwork? एंड ये आइडिया बहुत ही यूनिक था एंड ये आर्टवर्क का ट्राई पहले किसी ने नहीं किया था एंड वो ये आर्टवर्क क्रिएट करने में फर्स्ट बनना चाहते थे। सो उन्होंने टाइप करना स्टार्ट किया, लेटर पे लेटर टाइप करते गए, की पे की प्रेस करते गए एंड एट द एंड यही कीज एंड लेटर एक फेस में कन्वर्ट हो गए एंड उनके नंबर पिक्चर में कन्वर्ट हो गए। धीरे धीरे उन्होंने रॉबर्ट कैनेडी का पिक्चर बनाया। जी हाँ, यूएस के प्रेसिडेंट। That is Robert Kennedy. After his assassination during 1968, this was my first drawing. ये टाइप का आर्ट बहुत ही नया था एंड ये सबको बहुत ही पसंद आया। उनके पिक्चर मीडिया में छा गए, उनके पिक्चर सोशल नेटवर्क साइट पर शेयर होने लगे, इवन नेशनल टेलीविजन पे उनके पिक्चर्स छा गए। माय एम्बिशन इज टू डू वेरी वेरी टॉप ड्राइंग्स व्हिच नोबडी कैन थिंक ऑफ इट, दैट इज माय मेन गोल। बट ये जितना अच्छा दिखता है उतना ही बनाना बहुत ही हार्ड है। ट्रेडिशनल टाइपराइटर में बैकस्पेस नहीं होता, इरेज बटन भी नहीं होता है, सो आपकी गलती आप करेक्ट नहीं कर सकते। आपको परफेक्टली ये आर्ट वर्क को क्रिएट करना पड़ता है। अगर गुरुमूर्ति सर ने एक मिस्टेक कर दी तो उनको फिर से शुरुआत करना पड़ेगा, वो भी स्टार्टिंग के स्केच के साथ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ ऑन टाइपराइटर बिकॉज व्हेन यू इंसर्ट द पेपर इनटू द कैरेज यू आर एबल टू सी ओनली द टॉप पोर्शन एंड द बॉटम एंड ऑल इट इज नॉट विजिबल, फेलिंग व्हिच इट विल रिजल्ट इन फेलियर। ये सब होने के बावजूद भी गुरुमूर्ति सर ने अभी तक 350 पिक्चर्स क्रिएट कर दिए हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो। पहले उनके पेंटिंग्स को ज़्यादा प्यार नहीं मिलता था बट अब उनके पेंटिंग्स को लोग एडमायर करना स्टार्ट कर चुके हैं। इवन एक्टर्स एंड पॉलिटिशियन भी उनको बोलते हैं कि आप हमारा पोर्ट्रेट क्रिएट कीजिए। इफ यू डेवलप एनी पैशन यू स्टिक टू इट एंड ऑलवेज बी आफ्टर योर पैशन ओनली एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलप योर पैशन टिल यू सक्सीड इन योर। आज गुरुमूर्ति सर उनके बैंक की जॉब से रिटायर हो चुके हैं एंड वो फुल टाइम टाइपराइटर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं एंड यही यूनिक आर्ट की वजह से वो चाहते हैं कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। ये वीडियो से मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सबसे अलग स्टैंड करना है तो आपको हट के सोचना पड़ेगा। मीन्स गो विथ अगेंस्ट फ्लो, नॉट गो विथ द फ्लो। Thank you.